नमस्कार, मैं मानसी धामने स्वागत है आप सबका सुपरफास्ट जनादेश आपकी आवाज में। आगे बढ़ते और नजर डालते हमारे शहर उल्लासनगर की कुछ मुख्य खबरों की ओर। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में अमृत विला ट्रस्ट द्वारा उल्लासनगर एक स्थित गोल मैदान में भाई साहब रिंकू जी द्वारा कीर्तन समागम का आयोजन किया गया, जहाँ शहर के कई गणमान्य लोग यहाँ मौजूद थे। आज उल्लासनगर में बहुत खुशी का माहौल है। जगह जगह पे सत्संग कीर्तन, हर दरबार सजी हुई है। और आज यहाँ पे रिंकू सिंह जी बाबा महाराज जी ने जो चालिया साहब का आयोजन किया है, हमारे इतने सारे लोग उल्लासनगर के इसका सुख लेते हैं, अपना जीवन सफल करते हैं। हम भाई साहब का धन्यवाद करते हैं। गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की अपने शहरवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभेच्छाएं। 6 नवंबर को पूजनीय गुरु जी ने जो सत्संग का समय शाम को रखा है, उनके लिए मैं पूरे आज के सभी नगर सेवक, सभी जो सुबह प्रभात के समय पर यहाँ नहीं आ सकते, उनकी तरफ से उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। और यह बहुत ही ज़रूरी भी था, रविवार का दिन था। सभी लोग जो इच्छा रखते थे इस बात की कि गुरुजी के सत्संग को हम सुने, उनके साथ बैठने का, उन्हें सुनने का, उनके प्रवचन को जानने का कुछ मौका मिले, उनकी आज मुराद पूरी हुई है। और आज का प्रवचन भी विशेष रूप से अपने स्थान पर बहुत ही लोगों को, दिल को छूने वाला था। कई लोगों ने तो मन में आज प्रण कर लिया है कि वह नॉनवेज को, दारू को, शराब को छोड़ देंगे और वो लोग सात्विक भोजन करेंगे। गुरुजी ने जो आज बताया यहाँ पर उदाहरण के रूप में, मैं भी बचपन से लेके उदाहरण दे रहा था लोगों को, लेकिन गुरुजी का अपना स्थान है कि जो मांसाहारी प्राणी बनाए हैं ईश्वर ने, वो जीभ से पानी पीते हैं और हम लोग सांस से और लिप्स से पानी पीते हैं, सांसों से पानी पीते हैं। जब कुदरत ने हमें बनाया ही शाकाहारी है, तो हमें शाकाहार का ही सेवन करना चाहिए। सबसे पहले कोटान कोट श्री गुरु नानक पातशाह का, जिन्होंने सत्संग का समय बख्शा। उसके बाद आज आए हुए सारे माननीय नेतागण और माननीय सदस्य उल्लासनगर, जिनके पास बागडोर है इस शहर के,
उनका सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। खास करके ज्योति दीदी, ज्योति किलानी जी का, ये सारे सबका, क्योंकि सब आए, मुझे सबके नाम भी नहीं अच्छे से याद, तो पर मैं दिल से सबके चरणों में नमस्कार करता हूँ कि वो उन्होंने बैठ के पूरा सत्संग सुना, ये बड़ी बात है। एक डेढ़ घंटा बैठ के पूरा सुनना बहुत मुश्किल होता है, तो गुरु ने मेहर किया उन सब पे, आज सबने सत्संग सुना है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाष्टमी के दिन गौ माता की काफी मान्यता मानी जाती है। आइए देखते हैं हमारे शहर उल्लासनगर में किस तरह गोपाष्टमी के दिन गौ माता की सेवा कर कर ये दिन मनाया गया। ये माता के प्रति, हमारी गौ के प्रति क्या कर्तव्य है, शास्त्र वेद बहुत सुनाते हैं, और हमारा भी काम है, फर्ज है कि हम भी गौ माता को माने के बराबर, ये हमारे हर समस्या का समाधान करती है। हमारी आर्थिक स्थिति हो या मानसिक स्थिति हो या शारीरिक स्थिति हो, हर प्रकार से हमारी गौ माता जीवन से जुड़ी हुई है, और प्रत्येक उसका जो वस्तु है, दूध है, दही है, घी है, गोमूत्र है, गोबर है, ये पंचगव्य कहलाता है, हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है, और हमारा कर्तव्य है आज ये जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, गोपाष्टमी नाम से कहा जाता है इसे, इसका बहुत बड़ा हमारे शास्त्रों में महत्व दिखलाया गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण जब 5 वर्ष के हुए हैं, अभी उतनी छोटी अवस्था में ही माता पिता नंद यशोदा से बोलते हैं कि मुझे गौ चराने के लिए जाना है, तो वो किसी भी बहाने से छुट्टी लेकर के और गौ चराना आरंभ किया है इस दिन को, जिस कारण इसको गोपाष्टमी नाम पड़ा है। भगवान कृष्ण गोप बने हैं, ग्वाल बने हैं, ग्वाल बन करके गायों को चराया है, और प्रतिज्ञा की है कि मेरा जीवन ऐसे ही बीते, कभी पैरों में जूता नहीं पहनूं और छाता नहीं ले ऊपर सर के, और छिले हुए वस्त्र भी नहीं पहनूं, बाल भी नहीं कटवाऊं। मेरा कर्तव्य है गौ माता की सेवा करना, तभी नाम हमारा गोपाल सार्थक होगा, और ऐसी गौ माता की उन्होंने बहुत सेवा की, हमारा भी फर्ज है, हम गौ माता को स्मरण करें, और इतना ही नहीं लेकिन जीवन में उनकी चीज़ों को काम में लाएं, और हमारा साथ साथ में यह फर्ज होता है गौ माता की रक्षा करें, जहाँ तक हो सके बढ़ावें, गौ संवर्धन हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, फिर भी गौ हत्या बंद होना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। भारत का एक कलंक है, गौ को हम माँ भी कहलाते हैं और साथ साथ में उसको वध भी करते हैं, यह अनुचित बात है, जहाँ तक हो सके हमारी सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, हर प्रकार की गौ का वध बंद कर दे, ऐसा कानून बना दे। बोल गुरुदेव भगवान की। स्वामी देवकर महाराज ने रे सदारत सालानो उत्सव मल्हायो वञे थो, जिते हज़ारे भाउर भेनर संतनि जा प्रवचन ॿुधंदा, स्वामी देवकाल महाराज ऐं ॿिया संत गांइ जी महिमा ॻाईंदा। गांइ असांजी माता आहे, गांइ असांजी माता आहे, ऋषि मुनि गुण तंहिंजा गाता, खीरु गांइ जो अमृत आहे, चर्बी हरगिज़ की न वधाए, गांइ असांजी आहे माता। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में उल्लासनगर 3 स्थित संत बाबा थारा सिंह दरबार द्वारा पंजा साहिब गुरुद्वारे के दर्शन का आयोजन किया गया है, आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी। बोल गुरु नानक देव की जय। धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थारा सिंह साहिब जी की तरफ से एक छोटी सी कोशिश की गई है, जैसे आज के दिन में
ये गुरुद्वारा बना हुआ है पंजा साहिब। पंजा साहिब एक गुरु नानक देव जी का वो स्थान है जहाँ पे गुरु नानक देव जी गए थे। वहाँ पे भाई मर्दाना जी को प्यास लगी थी एक पहाड़ के नीचे। पाकिस्तान एक लाहौर के बाजू में हसन अब्दुल का एक शहर है, वहाँ पे वो गए हुए थे। मर्दाना जी को प्यास लगी थी, उनको पानी पिलाने के लिए गुरु नानक देव जी ने पहाड़ के ऊपर वली कंधारी एक राजा था उनके पास भेजा था। वली कंधारी ने उनको वापस भेजा, भाई ये पानी मैं तुमको नहीं पिला सकता हूँ, मैंने अपने लिए पानी रखा है। गुरु नानक देव जी ने वापस उनको भेजा, भाई एक फ़कीर को इतना घमंड नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोला अगर आपके गुरु में कोई शक्ति है तो वो आपको पानी क्यों नहीं पिलाते हैं, आप क्यों आप बार बार यहाँ आ रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी के पास वापस गए, गुरु नानक देव जी ने उनको एक पत्थर उठाने के लिए बोला, वहाँ से वो झरना निकल गया पानी का। वहाँ पे ऊपर वली कंधारी का झरना खाली होना शुरू हो गया, तो उसने गुस्से से एक बहुत बड़ा पत्थर गुरु नानक देव जी के ऊपर फेंका। वो गुरु नानक देव जी ने अपने हाथ से वो पत्थर पकड़ा है, वो पंजा आज भी वो पत्थर पे दिखता है। वहाँ पे इस गुरुद्वारे का निर्माण किया गया है पंजा साहिब। यहाँ से पाकिस्तान जाना इतना आसान नहीं रहा है, इसके लिए गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरी संगत के लिए ये एक छोटी सी कोशिश की गई है कि वो दर्शन वहाँ पे कैसे बना हुआ है, क्या बना हुआ है, और एक इतिहास का नॉलेज होता है उसके लिए ये दर्शन उल्लासनगर के धन गुरु नानक दरबार में लगाए गए हैं। वो प्रभात फेरी क्या है ना? प्रभात फेरी गुरु नानक देव जी का जन्मदिन कार्तिक पूर्णिमा एक बहुत बड़ा महीना माना जाता है, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ है। जैसे कार्तिक महीना लगता है, प्रभात फेरी इसलिए निकाली जाती है, प्रभात फेरी ढोलक झांझे लेके गुरु धन गुरु नानक सारा जगदारिया गाया जाता है। जैसे नींद में सोए हुए लोग भी अमृत वेले में जागेंगे, उनके कान तक ये नाम पड़ेगा तो वो भी तर जाएंगे। कलयुग के अवतार हैं गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी का जन्म कलयुग में हुआ है और कलयुग को तारने के लिए वो धरती पे आए थे। इसके लिए एक प्रभात फेरी निकाली जाती है 2 नवंबर से 14 नवंबर तक धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थैरा सिंह साहेब जी से। दुनिया की सबसे बड़ी प्रभात फेरी निकाली जाती है जिसमें हेलीकॉप्टर से फूलों से वर्षा होती है। सबसे बड़ा सहयोग उल्लासनगर की संगत का है जो इतने बड़े पैमाने पे पहुंच के इस प्रोग्राम को दुनिया की सबसे बड़ी प्रभात फेरी में तब्दील करते हैं। एस्ट्रोलॉजी संबंधित किसी भी तरह की जानकारी जानने के लिए आप www.spiritualparks.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। कुछ ही समय में ऑनलाइन काउंसलिंग भी शुरू की जाएगी। पीसीआई न्यूज के हर्ताकर्ता रवि जामनानी जी का जन्मदिन पीसीआई न्यूज के कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। आइए देखते हैं।
उत्तर भारतीय समुदाय का महत्वपूर्ण त्योहार छठ पूजा, आइए देखते हैं हमारे शहर उल्लासनगर में किस तरह मनाया गया। पांचवा महल पर हमारे सभी उत्तर भारतीय लोगों का छठ पूजा का पर्व है जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हम अपने सभी शहरवासियों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कालानी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। छठ मैया सबके मनोकामना को पूरा करें, यही हम आशा रखते हैं। उत्तर भारतीयों का एवं पर प्रांतियों का, बिहारियों का आज जो है जन्म जन्मांतर से जो छठ पर्व होते चला आ रहा है वह आज जो है पर्व हो रहा है। आज आज़ाद नगर के वासियों, शास्त्री नगर की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेविका श्री लक्ष्मी सुरेंद्र सिंह ने इससे पांचवा मेल के घाट के ऊपर में लाइट का व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छा किया है। जो रास्ता खराब था वो रास्ता जो है उसको जो है बराबर करके दिए हैं। ये सब जो कार्य बहुत अच्छा किए हैं। यहाँ पर जो है हमारे साथ निगम और कैलाश यादव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो भी यहाँ पर जो हैं कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और बड़े धूमधाम से छठ पर्व जो है मनाया जा रहा है। आज उत्तर भारतीय समाज और बिहार समाज के सबसे पॉपुलर जो त्यौहार है वह छठ पूजा के उपलक्ष पर हम सब साथी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, हमारे नगर सेवक, समस्त साथी मिलकर यहाँ पर सभी शहरवासियों को, सभी नागरिकों को मैं आज यहाँ से अपील करता हूँ कि इसी तरीके से समाज एकता का एक बार संकल्प लेकर छठ पूजा के त्यौहार पर मैं छठ मैया से यही प्रार्थना करूँगा कि हमारे शहर का व्यापार वो ठीक से हो, हमारे शहर की महिलाओं को सुरक्षा मिले, हमारा शहर और विकास की ओर जाए। इसी के उपलक्ष पर मैं छठ पर्व की आप सभी लोगों को टीम ओमी कलानी की तरफ से लाख लाख करोड़ करोड़ शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले मैं उन उत्तर भारतीयों भाई का वंदन एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो इस छठ पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मैं आज के दिन जो हमारे ज़्यादा करके उत्तर भारतीय भाई यूपी और बिहार वाले इस पर्व को मनाते हैं, मैं उन सभी का और पूरे उल्लासनगर वासियों का राष्ट्रवादी पार्टी के तरफ से हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज उल्लास स्टेशन क्षेत्र के हमारे नगर सेवक इशरत खान, अल्पसंख्यकों के सेल अध्यक्ष जमील खान डॉन, राकपा के यूथ नेता फिरोज खान, हमारे संभावित उम्मीदवार के तेज तराज उम्मीदवार शिवाजी रगड़े, हरीश राय, समस्त साथी मिलकर आज यहाँ पर उत्तर भारतीयों का दुर्गा शिंदे जी, हमारे समस्त साथी मिलकर आज हमारे उत्तर भारतीय समाज का, बिहार से आए हुए समाज का, हमारे सबसे भारतीय संस्कृति का सबसे ज़बरदस्त जो त्यौहार है उस त्यौहार को लेकर आज मैं बात कहूँ कि पांचवा महल, हीरा घाट, सीमा रिसोर्ट, मौना नदी, इन सब घाटों पर टीम ओमी कलानी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आयोजन किया था, जिसमें आयोजन में संतोष पांडे जी, जमील खान डॉन जी, हरीश राय जी, डॉक्टर एस वी सिंह जी, इन समस्त साथियों ने हमारे उत्तर भारतीय समाज को किस तरीके से उनकी रक्षा होगी, किस तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं समस्त साथियों को मैं तहे दिल से अपने पार्टी की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं और तमाम शहर के उत्तर भारतीय समाज को मैं छठ पूजा की लाख लाख करोड़ करोड़ ओमी कलानी जी की तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं। उल्लासनगर शहर के तमाम उत्तर भारतीय भाई बहनों को छठ पूजा के इस पर्व पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टीम ओमी कलानी की ओर से यहाँ पर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसमें उत्तर भारतीय युवा मंच और उनके तमाम साथियों ने काफ़ी सहयोग दिया है। हर साल उत्तर भारतीय युवा मंच के ये कार्यकर्ता राधेश्याम गुप्ता, हमारे यादव जी और उनकी पूरी टीम हमेशा से एक प्रोग्राम का आयोजन करती है और यहाँ के स्थानीय नगर सेविका इशरत खान जी, हमारे ज्येष्ठ समाज सेवक जमील खान जी, फिरोज खान जी हमेशा से सहयोग करते आए हैं। तो हम ये सभी भाइयों का इस अच्छे आयोजन पर हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उनके आभार व्यक्त करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उल्लासनगर 3 स्थित पवाई हीरा घाट बोट क्लब गार्डन में, जहां पर सर्वधर्म संभव मित्र मंडल द्वारा छठ पूजा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
हमारे साथ मौजूद है इस संस्था के पदाधिकारी, हम उनसे जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। छठ पूजा का त्यौहार हम 26 साल से यहाँ पर उल्लासनगर के हीराघाट गार्डन में कर रहे हैं, और इसकी मान्यता ये है कि जो भी आप दिल में मन्नत रखते हैं 100% पूरा होता है। क्योंकि सूर्य नारायण का पूजन है, हम यही एक देव हैं जिनका साक्षात दर्शन करके हम पूजन करते हैं। यूँ तो आस्था से हम हर एक पूजन त्यौहार करते हैं, हर एक देवी देवता का, जिनका साक्षात दर्शन करते हैं। आप कोई भी किसी भी प्रकार के मन्नत आप रखिए, इसमें पूरा होता है। इसमें किसी भी प्रकार का जात पात ऊंच नीच छुआछूत का कोई भेद नहीं होता। सभी जितने भी व्रतधारी होते हैं एक घाट पर एक साथ मिल करके आए पूजन को जो है सो आगे की ओर बढ़ाते हैं। आज श्रद्धम सद्भाव मित्र मंडल की ओर से आज 26 सालों से जो छठ पूजा का प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम के आयोजक आदरणीय, मैं बोलूँगा इस श्रद्धम सद्भाव को इन्होंने जो फाउंडेशन को मजबूत किया, BSNL में जॉब करते हुए इन्होंने आप 22 साल उसके संभाला, आज रिटायर होकर 4 साल हो गए तो भी आज इस मंडल को लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पे आज जो एक से लेकर अगर 15,000 भी अगर लोग माता का छठ पूजा का उपवास करते हैं और एक साथ अगर तालाब में नहाते हैं तो इसका श्रेय श्री RR सिंह जी को जाता है। और ये छठ पूजा के लिए माता इनको लंबी आयु दे, जो सिंह साहब आज इस मंडल को लेकर चल रहे हैं, इसके लिए मैं सिंह साहब के लिए माँ छठ से कहूँगा कि इन्हें लंबी आयु दे। छठ की पूजा के अवसर पर, शुभ अवसर पर मैं सभी को जिन्होंने उपवास किया है, माँ की आराधना की है, उनको मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। और मैं हर साल यहाँ पर हीरागढ़ पे आती हूँ और माँ का आशीर्वाद लेती हूँ हमेशा। सर्वधर्म संभव कमेटी की तरफ से यह जो छठ पूजा का कार्यक्रम रखा गया है, मैं उल्लासनगर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से सभी शहरवासियों को, सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। और यहां उल्लासनगर में जो हमारा सर्वधर्म संभाव जो मित्र मंडल है, उनके जो हर्ताकर्ता हमारे RR सिंह साहब, उनके साथ में हमारे छोटे भाई शैलेश तिवारी जी, मुन्ना श्रीवास्तव और उनकी पूरी कैबिनेट को हार्दिक बधाई देता हूँ कि आज ये 26 साल से यह कार्यक्रम करते आए हैं। मैं माता के द्वार में प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अच्छी सेहत दे पूरे मंडल को। आज यहाँ सब उल्लासनगर के शहरवासी हैं, खासतौर से उत्तर भारतीय और पूर्व भारतीय लोग जो हर साल यहाँ छठ पूजा का आयोजन करते हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले सबको बधाई देना चाहता हूँ। उनकी जो भी मनोकामना है, जो यहाँ वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द उनकी पूरी हो। और यहाँ महानगर पालिका की तरफ से जो भी इस घाट के सुरक्षा और अच्छा इस बनाने के लिए जो भी इंतज़ाम करने थे, मेरे ख्याल से हमारे लोगों ने किए हैं। कुछ कमी रह गई हो तो मैं उसके लिए थोड़ी बहुत नहीं सर, पूरा कमी यहाँ पूरा हुआ हाँ है, ठीक है, मुझे थोड़ा समय कमी मिला है, लेकिन हम और भी कुछ इसमें कमी रही हुई हो तो हम अगले साल इसको पूरा करेंगे और भी अच्छी तरह से इस कार्यक्रम का, इस समारोह का। हीरो होटवानी जी का जन्मदिन उल्लासनगर 3 स्थित नाइस मोटर्स में केक काटकर मनाया गया, जहां उन्हें बधाइयां देने पहुंचे युवा नेता ओमी कलानी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हर साल की तरह इस साल भी उल्लासनगर 3 स्थित मास्टर रंजन सिंधु भवन में सिंधी भाषा को बढ़ावा देने के लिए कार्तिक महीने में बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, आइए देखते हैं। आज मास्टर रंजन सिंधु भवन में बारन के सिंधी में कहानी ऐसी स्पर्धा रखी हुई है, जैमें वो सिंधी में कहानी बुधाइंदा नंडियो नंडियो कहानियों हैं। मकसद असो यो है कि भाई बार सिंधी गाल सीखन, जेका कि बोली विसरी वा आहिनि, घर में हिंदी में था ॻाल्हाइनि, त हिकु इहा नंढी कोशिशि कई आहे असां, जीअं ॿार सिंधी ॿोलीअ में ॻाल्हाइण जी कोशिशि कनि ऐं सिखनि। 200 खां मथे असांखे एंट्रीज़ आयूं आहिनि, सुभाणे बि आहे इहो प्रोग्राम, अॼु 100 जे आसपास असांखे
ॿार आया आहिनि। मास्टर रंजन सिंधु भवन चोपड़ा कोर्ट जे पोयां रीजेंसी होटल जे साम्हूं असां हिते सॼो हफ़्तो कारकत जो हिकु प्रोग्राम आयोजन कयो आहे, जंहिंमें शाम जो 5:30 खां 7 ताईं कारकत जी कथा ऐं गीता जो पाठ थींदो। 8 तारीख़ गोपाष्टमी ॾींहुं 108 महासुखमनी जो आयोजन कयो आहे, जंहिंमें सभिनी खे क़ुर्बायती नींद आहे, तव्हां बि अची सघंदा आहियो। अॼु असां हिते मास्टर रंजन सिंधु भवन में एज़ हुननि जा एसोसिएट थी करे कमु करे रहिया आहियूं ऐं सभिनी सुठे नमूने कमु कयो आहे ऐं ॿार बि सुठे नमूने पार्टिसिपेट करे रहिया आहिनि। जाम ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे जो असांजी संगीता मैडम हेतिरी कोशिशि करे रही आहे सिंधीअ खे वधाइण जे लाइ। असां ईअं चाहींदासीं की अगरि अहिड़ा असांजे उल्हासनगर में अहिड़ा एक्टिव मेंबर्स मिलंदा जेके सिंधीअ खे वधाईंदा त असांजी सिंधी ज़रूर बि ज़रूरु अॻियां वधंदी। जय झूलेलाल। हर साल की तरह इस साल भी गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में उल्लासनगर 3 स्थित नानक जीरा गुरुद्वारे द्वारा महानगर कीर्तन का आयोजन किया गया है। इसी उपलक्ष्य में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आज गुरु नानक जीरा गुरुद्वारा मक्खन शाह लबाणा नानकसर में ये महान बाइक रैली का आरंभता की जा रही है। ये बाइक रैली धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश उत्सव के आगमन में महान विशाल नगर कीर्तन जो गुरु नानक जीरा नानकसर मक्खन शाह लबाणा से आरंभ होगा, उस शुभ अवसर पर ये रैली को प्रचार के लिए हर साल निकाला जाता है और सारे उल्लासनगर में सभी गुरुद्वारों में इस रैली का पहुँच कर वहाँ पे गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश उत्सव के आगमन में जो महानगर कीर्तन आरंभ होता है उसके प्रचार के लिए ये बाइक रैली निकाली जाती है। सभी शहरवासियों को विनंती है कि इस महानगर कीर्तन में जो 11 तारीख शुक्रवार के दिन नानक जीरा मक्खन शाह लबाणा से आरंभ होके पूरे उल्लासनगर में गुरु की वाणी जस गायन करते हुए गुरुद्वारा पंजाबी कॉलोनी में इसकी समाप्ति की जाएगी। सभी साथ संगत से उल्लासनगर शहरवासियों से विनती है कि आपके नज़दीक से ये महानगर कीर्तन जहाँ जहाँ से इसका रूट है वहाँ पे संगत को विनती है कि इसमें साथ संगत की सेवा करने की कृपा करें और गुरुवाणी के साथ जुड़ के गुरु नानक देव महाराज जी का नाम लेके अपना ते अपने परिवार का जीवन सफल करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु नानक दीरा दरबारा साहेब मक्खन शाह लबाणा नानक सर से आज यह बाइक रैली निकाली गई है। इस बाइक रैली का उपलक्ष्य है जो आने वाली 14 तारीख को श्री गुरु नानक देव जी महाराज का जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में हमने 11 तारीख को महान नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है। तो 1 नंबर से 5 नंबर तक जितने भी गुरुद्वारे हैं हम सभी गुरुद्वारे में जाकर ये इन्विटेशन देंगे ताकि सभी नगर कीर्तन में शामिल होकर इस महान नगर कीर्तन की शोभा बढ़ाएं और समाज से जुड़े और समाज के लिए कार्य करें। हमारे गुरु नानक देव जी महाराज ने भी समाज के लिए अच्छे मैसेजेस दिए थे, हम भी देना चाहेंगे कि जो भरा नहीं है भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं है वो पत्थर है, जिसमें समाज का प्यार नहीं। तो समाज के साथ जुड़े और समाज के साथ चलिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। उल्लासनगर 3 काशाराम चौक परिसर स्थित देवी टावर अपार्टमेंट में दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात, आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। ये मैं 2:30 बजे मैं घर से निकला, वो 2:30 और 6:30 बजे मेरी मैसेज यहाँ पे आती है जॉब से, तो 2:30 और 6:30 बजे के बीच में जो है ना ये गाला तोड़ के जो है पीछे का जो है कोई हमारे घर में आया, अंदर एंट्री किया और कबाड़ में से जो है मेरी मैसेज के गहने और कैश लेके वो जो है वापस वही गाले से जो है बाहर गए। करीबन 1 लाख का सोना और 30-40 हज़ार कैश जो है कैश गया है हम लोगों का। अभी सेंट्रल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है हम लोगों ने जो है। ये एरिया जो है काशाराम स्टेचू है, देवी हमारा फ्लैट बिल्डिंग का नाम है देवी अपार्टमेंट फ्लैट, ग्राउंड फ्लोर पे है G3 और ये कॉरपोरेशन बैंक के पास में बिल्डिंग है जो है काशाराम स्टेचू के उधर नियर सैमसंग गैलरी है बाजू में। हम मैं अपने चैनल आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आने वाली 11 नवंबर को है एकादशी का पर्व, आइए इस बारे में लेते अधिक जानकारी वासुदेव सचदेव जी से। सभी भक्तों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि भगवान की हमारे ऊपर अति कृपा है,
11 नवंबर शुक्रवार को कार्तिक की बड़ी एकादशी जिसको हर प्रबोधिनी कहते हैं और इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। भक्तजनों स्वामी शांतिप्रद आश्रम में सुबह 6 बजे आकर 8 बजे तक सत्संग का लाभ उठाए, उसके बाद स्वामी देव प्रकाश अनेक संत महात्मा और भक्तजन कीर्तन करते हुए स्वर्ग द्वार आश्रम माने शमशान भूमि उलानगर 5 में पहुँचेंगे, जहाँ एकादशी का महात्म सुनाएंगे। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन हॉस्पिटल शमशान भूमि का दर्शन करने से लाभ होता है और इस दिन भगवान कृष्ण की तुलसी से पूजा की जाती है। एक एक तुलसी के पत्ते के ऊपर ये मंत्र कहना चाहिए, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। माने 108 तुलसी के पत्ते भगवान के चरणों में रखेंगे तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को ये तुलसी प्रिय होती है और इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। किसी न किसी मंदिर में आप ब्राह्मण से पूछकर तुलसी विवाह में शामिल होवे। करोड़ों जन्मों के पाप भस्म हो गए, जिसको संतान नहीं होती है, जिसका विवाह नहीं होता है, वो भगवान कृष्ण के साथ माने तुलसी विवाह देखेंगे, उसमें शामिल होंगे तो उनका वो जो रुकावट दूर होती। और शाम को 6 से 8 बजे तक स्वामी शांतिप्रद आश्रम में संत महात्मा के दर्शन होंगे और एकादशी का महात्म सुनाया जाएगा। सारी रात सारा दिन अखंड कीर्तन होता है, सवेरे से दूसरे सुबह तक कीर्तन होता है, जिसमें आप शामिल होंगे तो आपको भरा लाभ होता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कीर्तन करने से मोक्ष मिलता है। सदगुरु स्वामी शांति महाराज पूरा जीवन एकादशी व्रत रखा, संत नामदेव ने भी एकादशी व्रत रखा, जिनके प्रभाव से आज उनका विश्व में नाम चमक रहा है। आप भी बच्चा बूढ़ा बीमार सब एकादशी व्रत रखें, गाय की सेवा करें। हमारे शहर उल्लासनगर की मनोरंजन, मेडिकल कैंप्स, बिजनेस डायरेक्टरी और स्पेशली खबरों के साथ इंस्टेंट अपडेट रहने के लिए आप हमारा सिटी ऐप यानी कि उल्लासनगर एप्लीकेशन में ये सब कुछ जान सकते हैं। तो अभी ही प्ले स्टोर में जाइए, उल्लासनगर टाइप करें और यह एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। तो बस आज के लिए इतना ही, नए खबरों के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश, गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश, आपकी आवाज है आपका ही आदेश। जनादेश आपकी आवाज, जनादेश आपकी